तो यार गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 के ट्रेलर में एडम वॉरलॉक के पास सोल स्टोन कैसे आया और क्या ये वाकई में ही सोल स्टोन है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू एमवी एक्सप्लेन। तो यार गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 के ट्रेलर में हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है जिसके अंदर एडम वॉरलॉक भी शामिल है। और यार ट्रेलर देखने के बाद से ही सबके दिमाग में यही घूम रहा है कि इसके पास सोल स्टोन आया कैसे। इसको लेकर मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो यार एवेंजर्स एंड गेम में जब सारे एवेंजर्स फुल ऑन डिप्रेस होते हैं और थैनोस को जगह जगह तलाश रहे होते हैं, तो फाइनली कैप्टन मार्वल किसी दूसरी गैलेक्सी थैनोस को स्पॉट करती है और सारे एवेंजर्स को आके बताती है। जब एवेंजर्स वहाँ पे उससे सारे इन्फिनिटी स्टोन लेने जा रहे होते हैं उसको मारने के लिए, तो थैनोस कहता है कि मैंने सारे इन्फिनिटी स्टोन को उन्हीं की ताकत से खत्म कर दिया। पॉइंट ये है कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है। और थैनोस 6 स्टोन के साथ आधी पॉपुलेशन को तबाह और खत्म करना जानता है, तो उसको ये भी पता होगा कि सारे स्टोन के साथ दोबारा स्नैप किया जाए तो वो वापस भी आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी थैनोस ने वो वाले पूरे के पूरे 6 स्टोन डिस्ट्रॉय ही नहीं किए बल्कि एमसीयू के पूरे यूनिवर्स की डिफरेंट गैलेक्सीज में उनको जाके प्लांट कर दिया और लास्ट में सबसे अलग गैलेक्सी पर खुद आगे रहा। और बात रही नेबुला की, तो नेबुला से कितना ही सच बोलेगा थैनोस, पूरी जिंदगी तो उसको दर्द दिया उसने। और वही सोल स्टोन थैनोस ने हाई एवोल्यूशनरी के काउंटर अर्थ पे भी छोड़ा होगा जहाँ से वो हाई एवोल्यूशनरी को मिला और उसने एडम वॉरलॉक को दिया। तो यार ये जस्ट एक थ्योरी है, ये बात गौर में रखना। और अभी रिसेंटली एमसीयू में 7 स्टोन भी कंफर्म हो चुका है जो कि मेरा ख्याल डेथ स्टोन या फिर ब्लैक स्टोन के नाम से है। तो यार वैसे तो इस स्टोन की पावर्स के बारे में नहीं पता, बट ये गनलेट के बजाय थॉर के हथौड़े में फिट होता है कॉमिक्स में। खैर इन दी एंड यही पॉसिबिलिटी है कि एडम वॉरलॉक के पास सोल स्टोन कैसे आया इसको जस्टिफाई करने की। और थैनोस हार कर भी जीत गया और फिर दोबारा हार गया। खैर यार ये वीडियो यहीं पर ही खत्म करता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है अगली वीडियो के लिए। खैर टेक केयर, गुड बाय।